हम अक्सर बचे हुए खाने को गर्म करके दोबारा खा लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये आदत आपको बीमार बना सकती है। बचे हुए चावल का सेवन करने से फूड पॉइजनिंग की समस्या हो सकती है। बचे हुए चावल का सेवन करने से पेट से संबंधित समस्याएं होती हैं। कुछ लोगों को लगता है कि खाने को दोबारा गर्म करने से इसमें मौजूद बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस भी खाने में स्टार्च मौजूद होता है उसमें मौजूद टॉक्सिन्स हीट रेजिस्टेंट होते हैं, यानी खाना गर्म करने के बाद भी बैक्टीरिया खत्म नहीं होता है। इस समस्या से संबंधित एक कंडीशन है जिसे फ्राइड राइस सिंड्रोम कहा जाता है। तो क्या होता है फ्राइड राइस सिंड्रोम, चलिए आज की वीडियो में जानते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं हूँ आप सभी के साथ कृतिका। चावल को पकाने के बाद जब बचे हुए चावल को नॉर्मल टेम्परेचर पर कुछ घंटे या रात भर के लिए छोड़ा जाता है और उसमें बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, तो उस कंडीशन को फ्राइड राइस सिंड्रोम का नाम दिया गया है। चावल में बैसिलस सीरियस नाम का बैक्टीरिया होता है जो खाने को दूषित करके हमें बीमार बना सकता है। आपको ये भी बता दूं कि ये केवल चावल से रिलेटेड सिचुएशन में ही नहीं होता, कोई भी अनाज जो खराब होकर बीमारियां फैला सकता है। फ्राइड राइस सिंड्रोम वो सिचुएशन है जब किसी इंसान की तबीयत बासी खाने की वजह से खराब हो जाती है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं, तो इसके लक्षण के तौर पर आपको पेट दर्द, डायरिया, उल्टी, बुखार, आंखों में जलन, ये सभी चीजें महसूस होने लगती हैं। आपको किसी भी तरह की पुरानी चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए। अब अगर आपको फ्राइड राइस सिंड्रोम हो भी जाता है तब आप इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से कर सकते हैं, तो देखिए फ्राइड राइस सिंड्रोम का इलाज करने के लिए डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना चाहिए। अगर बासी खाना खाकर आपकी तबीयत बिगड़ती है तो बिना देर किए डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर आपको फ्लूड्स पर रख सकते हैं। इस कंडीशन में ज्यादा से ज्यादा पानी का सेवन करते रहना चाहिए, इससे शरीर में मौजूद बैक्टीरिया जल्दी शरीर के बाहर निकल जाएगा। वैसे तो आपको हर चीज ताजी ही खानी चाहिए, लेकिन किसी भी तरह की बची हुई चीज को न खाएं। इसलिए उम्मीद है आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़ रही है हमारे साथ। नमस्कार।